हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। भाई इस व्लॉग को प्लीज़ एंड तक पूरा देखना यार, क्योंकि ये व्लॉग नहीं है, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि इस बारे में मुझे जस्ट अभी 2 मिनट पहले पता लगा, ज्योति ने मुझे बताया, और मैंने अभी तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया, ना पापा मम्मी को बताया, ना किसी को बताया। मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, कि आप भी एक तरह से मेरी फैमिली का एक पार्ट हो। सब कुछ आपको बताता हूँ मैं। तो पता है यार, ये चीज़ एक गुड न्यूज़ भी है और एक बेड न्यूज़ भी है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ, आप कैसे बताऊँ यार। ये चीज़ जानते हो क्या है? इसमें दो लाइन है। तो पता है, इसकी एक लाइन संकेत देती है कि प्रेग्नेंट नहीं है, उसके दो लाइनें होने के बाद एक संकेत हो जाता है प्रेग्नेंट है। तो इसमें दो लाइनें हैं। ज्योति ने मुझे अभी 2 मिनट पहले बताया इस चीज़ के बारे में, कार किट्टू के एक भाई बहन आने वाला है, मतलब मैं वापस से पापा बनने वाला हूँ, ज्योति मम्मी बनने वाली है, वो पापा मम्मी दादी बाबा बनने वाले हैं अगेन। तो एक तरह से शौक लग रहा है बहुत ज़्यादा यार, करे तो क्या करें, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत से कपल्स होते हैं जो तड़पते हैं, तरसते हैं। बाकी ये खुशी हर किसी को नहीं मिलती, बट भगवान ने हमें ये खुशी दी है, तो इसको संभाल नहीं पा रहा मैं, करूँ क्या इस चीज़ का, क्या मम्मी को नहीं बताऊँ मैं और अबॉर्शन करवा लूँ, क्योंकि ज्योति भी रेडी नहीं इस चीज़ के लिए, मैं भी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता यार कि मेरे आरू किट्टू के बीच में कोई और आए, क्योंकि सब कुछ है मेरे लिए, मेरी दुनिया एक तरह से आरू किट्टू। और एक तरह से सोचते हैं फिर यार, कहीं ना दिल के कहीं ना कहीं एक कोने में, मतलब 1% या 2% मन में आती है यार, क्योंकि मैं 5-6 दिन पहले बोल रहा ज्योति से, मुझे यार एक बच्चा होना चाहिए वापस से यार, क्योंकि आरू किट्टू बड़े हो गए, अब सुनते नहीं हमारी बात बिल्कुल भी, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, क्यूट क्यूट, बिल्कुल गोलू गोलू की तरह, वो कैसे भी रखो, ऐसे रखो, वैसे रखो, बंदर की तरह उछालता हूँ मैं। तो एक तरह से वो याद भी आती है वापस से यार, का हाँ यार वैसा टाइम वापस आए उनके साथ खेलें अपन। बट फिर इस ज़माने को देख के सोचता हूँ यार, का हम दो हमारे दो, ये बिल्कुल सही है यार। मम्मी को बताते हैं ऑन कैमरा मम्मी का क्या रिएक्शन होता है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या इसको दुनिया में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अभी कुछ भी पता नहीं मैं कितना टाइम का हुआ, कितना टाइम का नहीं हुआ। तो कल कोटा जाएंगे, उसके बाद में सोनोग्राफी करवाएंगे, तब पता लगेगा कि हाँ यार एक्चुअली पोजीशन क्या है। तो चलो मम्मी को बताते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन होता है। मम्मी तू दादी बनवा ली भाजी हास क्यों रही है? कमजोर से देख, अच्छा मजबूत हो जाओ तो बढ़िया से एक शुद्ध हो जाओगा। पण काय करा, मैं दिमाग खराब हो गया। तो वो जाओ, ये तो जाओ फिर ऑपरेशन। भाई तुम एक बार बताई नहीं, याद ना रहो का भाई, पता नहीं दंत फट गया कि चार दंत फट। बोल तो रही थी कि 1.5 महीना ऊपर, ये 1.5 महीना क्यों बाजी ना, या तो 2 दंत फटता है कि डॉग चेक कराए थे ना। अब कह रहा बार बताई, 2 मिनट फैली दिमाग खराब हो गया, मैं कहीं करा यार। तो मान लो फैली ना हो जाओगे, बोल देगा डॉक्टर का कुछ भी नहीं हो सकता अब, तो फिर वो जब अरे मम्मी दो छोरा रहे, तो माए बाप परेशान हो जाए, दो छोरा लड़ लड़ मरता रहे, माए बाप रूठा नहीं हो, माए बापा ने भाई मम्मी तो ऐसे खुश हो रही है, अब क्या करें यार, क्योंकि मैं तो चाहता नहीं हूँ आरू किट्टू बीच में कोई और भी है यार। और सबसे बड़ी मेन बात वो है, दो बच्चे ना बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, दो भाई मैंने इतनी दुनिया देखी भी 30 साल हो गए, दो भाई जो रहते हैं वो लड़ते लड़ते माए बाप को रोटियां नहीं मिलती, अब मम्मी को तो खुशी मिल रही है 100%। बता भाई कल भाई जब खाल कोटा जाता है चेक करा ला, अगर ऑप्शन रहेगा अपने पास कहाँ अभी है तो फिर तो हटा देंगे एक। छोरी हो जाओगी बाद में, हो जाओगी कहीं करना फिर। भाई मम्मी को तो मस्ती सूझ रही है, मजा आ रहा है कि बढ़िया जो हो जाओगी, तो मुझे तो टेंशन हो गई बहुत ज्यादा। एक बहन से दो बहन होते, दो बहन आज दुख सुख की बात भी कर लेते। अच्छा रोगे तो मैं आरू की जायदाद में उस तो पाती पड़ा लो नो सर, आरू तो अपनी जायदाद संभल भी बोनो सो, क्या करें समझ नहीं आ रहा यार, मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं बता रही। मजबूत हो जाओ छोरो, मार छोरो कमजोर से करते बड़ो जाओगे। अरे यार भाई मम्मी तो बोल रही है वो जाने दे यार, बातें सुन रहे हो आप, बाकी मेरे तो बिल्कुल चेहरे का नूर निकल गया यार, क्या करें, अब कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, क्योंकि अब कल कोटा डॉक्टर के पास जाते ही
चेक करवाएंगे। मेरे हिसाब से 90% नहीं होने दूंगा मैं यार, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आर किट्टू के कोई भाई बहन हो। हम दो, हमारे दो सबसे अच्छा डायलॉग है भाई ये, और इसी को मैं फॉलो करूंगा। भाई मम्मी का लास्ट डिसीजन देख लेते हैं, मम्मी क्या बोलती है। तो मम्मी मुँह 30 साल को होगी, कोई जरूरत पड़ेगी तब तक हमारे भाई आओ बहन आओ। अरे पर मम्मी दो छोरा छोरी तो बढ़िया पढ़ जाओ, बढ़िया एजुकेशन मिल जाओ, सब कुछ बढ़िया मिल जाओ, तीन में तो फिर लफड़ा हो जाओ जी बहना भाई। पक्की बताओ वादा फिर कहीं ना करा मत कर, छोर हो जाओगे ना तो बड़ो जाओ मार मरिया कर। भाई आप भी कमेंट करके बताना प्लीज यार मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला था जैसे पहले आपको, मेरा मन है करने का, ठीक है यार याद आती है। और पापा भी आगे, पापा से पूछ लेते हैं पापा क्या रिएक्शन होता है। पापा तुम बाबा बन वाला अब भाई पापा भी आगे फाइनली डिसीजन करते टाइम पापा ही बोल रहे हैं उन्हें। तो एक बार मैं आपसे पूछता हूँ यार, कमेंट कर जरूर बताना मुझे क्या करना चाहिए, कि दुनिया में लाना चाहिए नन्हे बच्चे को या नहीं लाना चाहिए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम होगी आने की, प्रॉब्लम नहीं है कि यार, बट मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आरू किट्टू के बीच में किसी को नहीं लाना चाहता, कि जो उनके लिए प्यार है मेरा वो किसी तीसरे को नहीं देना चाहता मैं, मेरी सब कुछ दुनिया है। डिसीजन ठीक है पापा, फाल तू लड़ाई करेगा दो भाई दो। अरे 50-60 रुपया जमीन में आधी जमीन हो जाएगी बाबा, फिर हाल 50 रुपया खुद आरू के रे हुए अकेली। आरू तुझे खुशी मिल रही है, छोटा भाई आने वाला, किट्टू छोटा भाई आने वाला, कॉन्ग्रेचुलेशन तैयार हो जाओ। ठीक है फाइनली डन, हमारे आरू किट्टू 2-3 होने वाला है। रुको जरा, सबर करो, ये प्रैंक वीडियो था, कुछ नहीं आने वाला। ये भाई अप्रैल फूल का अप्रैल फूल बनाया हमें, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है हमारा। बाकी मेरे दिमाग में एकदम आइडिया है यार, आज 1 अप्रैल है और अप्रैल फूल बनाना जरूरी है। तो मम्मी को कुछ भी पता नहीं था, कहीं मजाक चल रहा है क्या चल रहा है। मम्मी पापा को ये पता है कि सीरियस में बच्चा आने वाला है नया। तो मम्मी कैसा लग रहा है? देख पता पड़ गई, तो मजाक चल रही है। भाई मम्मी को बिल्कुल रियल लगा था। भाई मम्मी पापा के मन में लड्डू फूट फूट के निकलने लगे थे, बढ़िया 2-3 हो जाएंगे तो हर किट्टू की बढ़िया मजा आ जाएगा। पापा तुम मजाक ला रही थी, सच ला रही थी मजाक काम ही तो आ गई। भाई पापा को भी सच लग रही थी बात, तो पूरा लड्डू फूट लेगा वो जाऊंगा। भाई मम्मी ने टाइम भी गिन लिया था, सर दीदी टाइम पे हो जाएगा बढ़िया, जब तक आरू किट्टू को अभी स्कूल की छुट्टी भी खत्म हो जाएगी। बढ़िया सर कुछ भी नहीं, प्रैंक था हमारे यार ये, और हम आरू किट्टू भगवान ने दिया, उसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट मेरी जान जैसे बच्चे दिए मेरे को। तब नीचे हमें ये बोलते हमारे लिए। तो आरू पापा ने क्या शूट किया अभी? प्रैंक शूट किया हमने, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कि मैंने बताया आपको, क्या बोलते जाते उसको, मतलब प्रेगन यूज़ क्यों बताया मैंने, वो हमारे आरू के टाइम की थी, 4 साल पहले की थी वो, तो ज्योति ने संभाल कर रख रखी थी। और ये प्लान ज्योति का ही था कि मैं बोल रहा था यार कुछ तो प्रैंक होना चाहिए यार, क्योंकि 1 अप्रैल है तो अप्रैल फूल तो बनाना जरूरी होता है। तो ज्योति ने आइडिया लगाया कि मेरे पास वो रखी आरू की और लेके आती हूँ, ऐसे ऐसे प्लान करते हैं। बाकी ये खुद ऑन कैमरा नहीं है अभी, इसने बोला मुझे शर्म आएगी, आप ही करो। तो भाई हमारा छोटा वीडियो अगर पसंद आया, थोड़ा बहुत भी आपको एंटरटेन हुआ, आपको सस्पेंस मिला कहाँ यार बंटी के 3 बच्चे होने वाले हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने इस भाई को प्यार देना यार, और सब्सक्राइब करना चैनल को। सब्सक्राइब करने के पैसे वैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है यार, हर वीडियो में बोलता हूँ भाई सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से आप हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओगे। तो जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूंगा
तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास आएंगे। और भैया ऐसे प्रैंक वाले वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना ताकि आगे भी ऐसे प्रैंक वाले वीडियो बनाएं हम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल भाई। और आप एक दो बार और देखो, और हाँ सो इस चीज़ को लेकर, ठीक है। आरू तुझे प्रैंक अच्छा लगा? प्रैंक अच्छा नहीं लगा तुझे? क्यों अच्छा नहीं लगा तेरे को? भाई बाबा स्कूल से आ गए, इनके लिए पानी पतासे लेके आए बहुत सारे, तो दोनों पानी पतासे खा रहे हैं। चलो मिलते हैं आरू नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, ठीक है, बाय।